हेलो गाइस, वेलकम टू और चैनल गोल साथी। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं किसी पिक्चर से। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कोई ऑनलाइन टूल्स देख लेते हैं। हमने गूगल किया है रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम वीडियो, और यहाँ पे हमें बहुत सारे सोल्यूशन आया है। सबसे पहला सोल्यूशन आता है अन स्क्रीन कैपिंग कटआउट, और भी बहुत कुछ है, वीड। सो लेट्स शेयर और टॉप 3 रिजल्ट। फर्स्ट इज और अन स्क्रीन। तो अन स्क्रीन में हमने सबसे पहले अपनी क्लिप को अपलोड कर दिया है। अब देखते हैं ये कैसे हमारी वीडियो को बैकग्राउंड रिमूव कर देता है। तो हमने यहाँ पर देखते हैं बहुत ही फास्ट रन हो रहा है, और यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट हो गया ये। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं इट इज सपोर्टिंग ओनली अप टू 5 सेकेंड। ये ओनली 5 सेकेंड तक की वीडियो को ही हमें बैकग्राउंड रिमूव करके देगा। अगर आपको उससे ज़्यादा करना है तो आपको अनस्क्रीन प्रो खरीदना पड़ेगा, जिसमें आपको विदाउट वाटर मार्क और वीडियो अवेलेबल होगा। यहाँ पे हम इसकी प्राइसिंग देख लेते हैं, और बहुत ही महंगा लग रहा है, 144 रुपीज़ पर मिनट ऑफ वीडियो। सो ये थोड़ा सा महंगा सोल्यूशन है। सेकेंड सोल्यूशन हम देखते हैं कैपिंग। कैपिंग में हमने यहाँ पर अगेन वीडियो अपलोड करते हैं, और इसके बाद हम हमारी वीडियो अपलोड हो रही है, और यहाँ पे हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब हम इसको इंपोर्ट कर देखते हैं कहाँ पर है बैकग्राउंड का फीचर। इधर लेफ्ट साइड में ढूंढने पर हमें नहीं मिल रहा है। तो ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट साइड में लिखा है रिमूव बैकग्राउंड। तो इफेक्ट्स में जाकर हम राइट बैकग्राउंड में जाते हैं, और इसके अंदर यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड। तो रिमूव बैकग्राउंड पे करते ही यहाँ पर ऑप्शन होता है अपग्रेड। तो मतलब अपग्रेड करने के लिए कह रहा है ये, मतलब फ्री वर्जन में हमें रिमूव बैकग्राउंड का फीचर अवेलेबल ही नहीं है। तो हम अपग्रेड पे क्लिक करते हैं, तो ये डेफिनेटली लॉग इन और साइन अप का करवाएगा, और उसके बाद हमें कुछ पे करना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन इज कटआउट। सो लेट्स ट्राई आउट कटआउट। यहाँ पर हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, और वीडियो अपलोड हो रहा है धीरे धीरे। और वीडियो अपलोड होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी प्रीव्यू अवेलेबल फॉर 360p 5 सेकंड ओनली एज सिमिलर टू आवर फर्स्ट यूज। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री में आपको 5 क्रेडिट मिलते हैं। तो हमें कोई सॉल्यूशन मिला नहीं, तो अब हम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाविंसी रिजॉल्व को यूज करने वाले हैं। तो आइए बने रहिए और हमारे साथ देखिए कैसे हम करते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं बैकग्राउंड रिमूविंग पार्ट। सबसे पहले हम मीडिया फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे, और यहाँ पर अभी हम जिसका बैकग्राउंड हटाना है वो वाली फाइल को इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल ली है जिसका बैकग्राउंड वैसे एक ही कलर में रखना है। तो मेरे यहाँ पे बैकग्राउंड रेड कलर का है। मैंने मीडिया आइटम को टाइमलाइन में ड्रैग कर लिया है यहाँ पर, और हमारा सब्जेक्ट शुड नॉट बी हैव द सेम कलर एज द और बैकग्राउंड। सो हमने इसको ड्रैग कर लिया अपने टाइमलाइन में। अब हम कलर टैब के अंदर जाएंगे, और कलर टैब में जाकर हम एक पिकअप आइकन होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, जिस क्वालिफायर कहते हैं। उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। हाईलाइट पे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि कौन सा एरिया सेलेक्टेड हुआ है और कौन सा नहीं। अब हम और एरियाज को सेलेक्ट करेंगे जो हमें लग रहा हो कि वो बैकग्राउंड का पार्ट है, और जो बैकग्राउंड का पार्ट नहीं है उनको हम एक्सक्लूड भी कर सकते हैं ड्रॉप डाउन में माइनस को सेलेक्ट करके। इसके बाद हम अपनी हाइलाइटेड इमेज को देख सकते हैं। बट यहाँ पर देख रहे हैं अभी मास्क अप्लाई नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अभी हमने अल्फा आउटपुट क्रिएट नहीं किया है। जब भी हमें कोई मास्क बनाना होता है तो ये ब्लू नोड को आउटपुट मास्क नोड से कनेक्ट करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी मेन सब्जेक्ट की इमेज मास्क हो चुकी है, तो हमें इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्वालिफायर में भी एक इन्वर्ट मास्क का ऑप्शन होता है, तो हम उसको इन्वर्ट कर लेंगे। वापस हम एडिट फाइल में जाके देखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट दिख रहा होगा, बैकग्राउंड मास्क हो चुका है। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारी बॉर्डर थोड़ी क्लीन नहीं है, और थोड़ा कुछ बाहर एक्सटीरियर पार्ट है जो हमें मास्क में ऐड करना है। तो हम वापस अपनी इमेज को जाके प्रॉपर्टीज के साथ थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करेंगे, जैसे कि हमारी एजेस थोड़ी और स्मूथ हो जाए। तो हम यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको थोड़ा थोड़ा ट्राई आउट करेंगे चेंज करने का, और उससे देखेंगे क्या उससे कुछ हो रहा है।
तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे मैंने मॉर्फ रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करा है, तो यहाँ पर थोड़ी एजेस पतली हुई है, और मैंने थोड़ा सा और सेलेक्ट करके डार्क एजेस को हटा दिया है। आप ऐसा जब तक कर सकते हैं जब तक आप सेटिस्फाई ना हो। आप प्रॉपर्टीज़ के साथ जितना ज़्यादा खेलोगे उतना ज़्यादा आपकी इमेज का बॉर्डर और वो सब अच्छा होता जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा अपने मेन ऑब्जेक्ट से। जब आपको लगे कि आप सेटिस्फाई हो, जैसे हमने यहाँ पर अभी इसको सेलेक्ट किया है, जब आपको लगे आप सेटिस्फाई हो गए तो आप यू कैन डन विद दैट। नाउ हम अब एक बार बैकग्राउंड इमेज को भी इंक्लूड करके देख लेते हैं। तो हमने बैकग्राउंड इमेज को इंपोर्ट कर लिया, कंट्रोल आई यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पे हमने बैकग्राउंड इमेज को इंपोर्ट कर लिया। आप देख पा रहे होंगे कि अब हम बैकग्राउंड इमेज को हम अपने टाइमलाइन में इम्पोर्ट करेंगे, जिससे कि वो हमारे बैकग्राउंड रिमूव्ड इमेज के पीछे लगाई जा सके। कभी भी जो बैकग्राउंड में इमेज है उसको आपको नीचे लगाना पड़ता है, जैसे कि जो सबसे ऊपर इमेज होती है वो सबसे ऊपर दिखती है, आप ये समझ सकते हैं। आप इसको प्ले करके देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो ब्लैक पार्ट था उसके अंदर हमारी बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड वीडियो अच्छे से दिख रही है, बट स्टिल वहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ लेफ्ट आउट पार्ट रह गया है। तो हमें अपने मेन सब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप ये भी देख सकते हैं कि हमने जब छोटी करी इमेज तो उसने पीछे वाली इमेज को भी छोटा कर लिया। तो हम पावर विंडो को सेलेक्ट कर लेंगे कलर टैब से, और एक पॉलीगन टूल को सेलेक्ट करके एक शेप क्रिएट कर लेंगे अराउंड आवर सब्जेक्ट। तो हमारी शेप बन के रेडी हो चुकी है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी बैकग्राउंड पार्ट था वो सब ग्रे हो चुका है। ग्रे हो चुका है मतलब वो मास्क हो चुका है। तो अब आपका मेन ऑब्जेक्ट कहीं पे भी मूव किया जा सकता है, आप अपने मेन ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी पोजीशन कर सकते हो। आप इसका साइज भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा कर सकते हो। और ऐसा करने के बाद आप है ना एक बार अपनी वीडियो को प्रॉपरली चेक कर सकते हो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम रह गई हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो आउटलाइन करी थी हमने सब्जेक्ट के अराउंड, वो थोड़ी सी हमारे सब्जेक्ट को काट रही है, तो हम उसको थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमने इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं यहाँ पर। आप अगेन वापस वीडियो को प्ले करके वापस वेरीफाई कर सकते हो कहीं से कुछ क्रॉप नहीं हो रही हो इमेज, नहीं तो वो थोड़ा सा एब्सर्ड सा लगता है। एक बार आप सेटिस्फाई हो गए हो तो आप पूरी वीडियो को धीरे धीरे स्क्रॉल करके टेस्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि बैकग्राउंड प्रॉपरली रिमूव हो चुका है। सो नाउ आप डिलीवर टैब को सेलेक्ट करके अपनी वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने के बाद आप अपनी वीडियो को रेंडर क्यू में ऐड कर सकते हो, और ऐड करने के बाद आप रेंडर और पे सेलेक्ट करके अपनी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये वी हैव कंप्लीटेड आवर बैकग्राउंड रिमूवल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू वॉच मोर सच ऑसम कंटेंट।